ये आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल जो होता है प्रोसेस, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसी में एक है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। और बहुत सारा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये इसमें ही एक हम लोग जो बात करते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैंने देखिए, ऐसा ये प्रोसेस होगा जिसमें कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स क्या होगा, टी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। इसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, डी का भी मान जीरो हो जाएगा। तो यहां से फर्स्ट लॉ जो होता है क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स ये इक्वेशन। अब देखिए, इस प्रोसेस में जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर डी एच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, इसी को डी ई या डी यू दोनों सेम ही होता है इसको। तो देखिए, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें जो हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़े, और ये डायरेक्ट आपका वर्णन कर देगी। मैंने डायरेक्ट जो हम भी हीट दे रहे हैं वो क्या करे, वो अपने इंटरनल एनर्जी के चेंज में प्रयोग नहीं करे, डायरेक्ट वो वर्क डन कर दे। तो जब ये ऐसा प्रोसेस हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, इसमें वर्क डन इस प्रक्रिया में कैसे निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी होता है, और आप जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहां से P का मान निकालेंगे तो कितना होगा, एन आर टी बाई V हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू, यहाँ P का वैल्यू रख दे एन आर टी बाई V, और ये डी वी, और V1 से V2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि V1 से कहाँ तक एक्सपेंड किया होगा, V2 तक। तो देखिए, DV है तो ओनली V वेरिएबल है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एन आर टी, और ये V1 से लेकर के V2 और dV/V हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, कितना होगा, डी डब्ल्यू एन आर टी, इसका हो जाएगा आपका LnV, और यहाँ से V1 लोअर लिमिट, अपर लिमिट V2। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डी डब्ल्यू एन आर टी, अब देखिए अपर लिमिट रखे LnV2 माइनस LnV1। अब इसका लॉग का प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ए बाई बी। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एन आर टी LnV2/V1। देखिए, ध्यान देना होगा, यहाँ पर हम LN लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा डी डब्ल्यू एन आर टी लॉग V2/V1 टू द बेस E है। अगर आप 10 बेस पर लाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 एन आर टी लॉग V2/V1 टू द बेस 10। देखिए, ये हो गया आपका चेंज, तो ये फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि T तो कांस्टेंट है तो P भी इक्वल टू एन आर टी, तो देखिए ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, एन एन कांस्टेंट रहेगा नंबर ऑफ मोल उसमें, और आर भी जो है कि कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका मान होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम रिलेशन बना सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर है
वी टू बाई वी वन, तो वी टू बाई वी वन बराबर होगा पी वन बाई पी टू। यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर 2.303 एन आर टी लॉग पी वन बाई पी टू। देखिये याद करने का तरीका इसमें क्या होगा कि पहले P आता है तो प्रेशर वाला P1 by P2 लिखेंगे, V बाद में आता है तो V2 by V1 वाला हो जाएगा, अगर P के फॉर्म में लीजिएगा तो P1 by P2 और V के फॉर्म में लीजिएगा तो V2 by V1। तो इस तरह ये बहुत मार्केबल है। और अब देखिए इसमें आइसोथर्मल स्लोप हम लोग देखते हैं इसी में, देखिए यहां पर PV इक्वल टू जब कांस्टेंट हो गया, ये गाइडिंग क्वेश्चन हुआ हमारा, चूंकि T कांस्टेंट होगा तो गाइडिंग क्वेश्चन क्या हो गया होगा PV बराबर कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dP by dV आ जाएगा आपका माइनस P by V। तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल स्लोप, आइसोथर्मल स्लोप कहा जाएगा, समतापी ढाल कहा जाता है, समतापी ढाल। अब अगर ग्राफ में इसको हम दिखाना चाहें तो P और ये V है, देखिए इस तरह होगा, देखिए इस तरह हो जाएगा ये इस तरह। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ हम लोग अगर खींचेंगे तो क्या होगा, P वर्सेस V मतलब प्रेशर सापेक्ष आयतन ग्राफ में जो ढाल होगा हम लोग का इस तरह मिलेगा। और किसी पॉइंट पर आप चाहते हैं ढाल निकालो तो आप जानते हैं कैसे निकलता है, ये अगर ऐसे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ढाल इस तरह निकलता है, देखिए थीटा, मतलब इस पॉइंट का हम देखना चाहते हैं तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे, देखिए यहाँ। तो बहुत आराम से इसको आप समझ सकते हैं। और फिर हम लोग इसमें एक चीज़ और क्या करना होगा कि जो आइसोथर्मल है फिर एडियाबेटिक जब हम पढ़ेंगे तो उसको मिला करके जो है फिर से और कंसेप्ट को बताएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर वगैरह करते रहिए, जो इंटर का तैयारी करते हैं लोग एनडीए वगैरह का, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग को।